सबसे पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल क्या स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ स्पेशल रहता है आपके तरफ से, तो आज इस बार क्या स्पेशल होना? नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक और आप सबको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली मनाइए, पटाखों के बगैर मनाइए, हर्षोल्लास से मनाइए और अच्छे पूजन के साथ, अच्छी आस्था के साथ मनाइए, पर पटाखों के बगैर। तो ये साल दिवाली के शुभ मौके पर, आज के धनतेरस के दिन के मौके पर मैं कहना चाहूँगा कि ये दिवाली जो है मेरे लिए बड़ी अच्छी रही है, क्योंकि ये साल मेरे लिए एक तरह से नया रहा है। मतलब जैसे होता है ना कि केंचुरी चेंज होती है ना, जैसे क्या होता है कि आपकी स्किन चेंज होती है असल में से, हाउ रेप्टाइल्स डू दैट यू नो। और ऐसे ही जो होता है इंसान को अपने आप को बदलना, अपना रंग बदलना, अपना हाव भाव बदलना, अपनी थिंकिंग बदलना वक्त के साथ, और जो आज का माहौल चल रहा है उसके साथ अपनी सोच को बदलना कितना ज़रूरी होता है, स्पेशली हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, आप एक समय तक काम करते हैं, फिर नई जनरेशन आती है, वो नई सोच की होती है, फिर वो जनरेशन के ऊपर नई सोच की जनरेशन आती है, नए नए फिल्म मेकर्स आते हैं, नए नए एक्टर्स आते हैं, लेकिन कौन अपने आप को बहुत सालों तक संभाल के रख सकता है, अपने संयम को संभाल के रख सकता है, अपने टैलेंट को संभाल के रख सकता है। तो ये साल जो है मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि इस साल जो है मैंने बहुत सी ऐसी फिल्मों में काम किया जिसमें इस तरह के किरदार किए जो कि जिसको सतीश कौशिक का नया रंग रूप देखने को मिला। कि पहले हम बड़ी लाउड एक्टिंग करते थे, जैसे कि अपना थोड़ी हमारी ओवर द टॉप परफॉर्मेंसेज होती थी, चाहे वो कैलेंडर हो, चाहे वो पप्पू पेजर हो, ये तुम लोग घबराने का नहीं समझा क्या, इस टाइप की एक्टिंग समझे ना, या अपना समझे ना अपना छोटे मियाँ बड़े मियाँ में शराफत अली है कि मैं आया अपनी जोंगा ले गए और मैंने देखा स्टेयरिंग उधर लटक रहा था, पहिया उधर लटक रहा था, मैंने सबको जोड़ा, मैंने कहा ये तो मेरी जोंगा है। तो इस तरह के किरदार हमने किए, या आइए तो सही, चली तो सही, बैठी तो सही, ये इस तरह के छोटे मियाँ ना हसीना मान जाएगी में जैसे रोल किए, तो बहुत सारे किरदार किए। या अब जम्बो किया था मैंने, घर वाली बार वाली में समझे ना, जिसके अंदर मैंने अलग तरह से बोला था अरुण भैया क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं कि जा रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहे हैं समझे ना, वो जम्बो का रोल किया था। तो वो सिनेमा अलग था, वो चाम अलग था, उसका चाम अलग था, लेकिन अभी जो सिनेमा जो है वो चेंज हो रहा है। और 2019 में मेरे को इस बात की खुशी है कि मेरे को इस तरह के किरदार मिले, चाहे वो उड़ता पंजाब से शुरुआत हुई थी, उसके बाद उड़ता पंजाब में मैंने ताया जी का रोल किया, छोटा रोल था लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना अच्छा था। सूरमा में मैंने छोटा रोल किया लेकिन उसका इम्पैक्ट जो था वो बड़ा इमोशनल था। जब मेरे को इस तरह के रिव्यूज़ मिले कि मतलब सतीश कौशिक मेक्स अस क्राई लाइक ए रिवर, छोटे से रोल के अंदर इतना इम्पैक्ट आना, सीरियस रोल था उसके अंदर, या जजमेंटल है क्या मैं, जब मुझे रिव्यूज़ मिले कि मतलब वो साइलेंट रोल है कॉप का, लेकिन वो जिस तरह से तहकीकात करता है यू नो, तो किसी के रिव्यू में आया कि दैट हिज साइलेंस स्पीक्स यू नो वॉल्यूम्स। सो ये जो नयापन सीखा ये नए फिल्म मेकर्स के साथ काम करके, वो चाहे अभिषेक चौबे हो, चाहे वो शाद अली हो, चाहे वो अली अब्बास जफर, भारत में बहुत ही अलग तरह का किरदार था जो कि ये कैप्टन है जो क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आता, जब अली ने मुझे ब्रीफ दिया था तो वो किरदार करने का बड़ा अच्छा मेरे को मौका मिला। तो ये तो एज एन एक्टर हुआ। रेडियो प्रोग्राम जो है मेरा फिल्मी कैलेंडर शो ज़बरदस्त 2019 में भी चल रहा है, इतना सक्सेसफुल हुआ है, तो हर तरह के काम किए। और ये 2019 की दिवाली पे मैं सबको यही धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो प्यार दिया, मेरी ऑडियंस ने, मेरे मेरे फिल्म मेकर्स ने, मेरे सहयोगियों ने हमेशा प्यार दिया है। जो आज के मैं जब नए यंग एक्टर्स के साथ काम करता हूँ और जब मुझे बोलते हैं कि सर आप उस तरह का काम भी कितनी ज़बरदस्त तरीके कर लेते थे पप्पू पेजर जैसा, और आपको जब सबड्यूड रोल मिलता है तो भी आप कितना अच्छा करते हैं, आई सेड भैया हम तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्टूडेंट हैं, हमारे हाथ में तो ट्यूनर है, हमको ज़्यादा ऊँचा करोगे तो ऊँचा बोल देंगे, बहुत ही नीचा बोलोगे तो नीचा भी बोल देंगे, हम सा में भी विश्वास करते हैं और सा भी में विश्वास करते हैं, दोनों हम कर सकते हैं असल में। तो ये सब करना जो है 2019 इस दिवाली की वजह से, लक्ष्मी माता की कृपा से सब कुछ हुआ है, और मैं बड़ा खुश हूँ कि ऑडियंस का प्यार आज भी मेरे साथ बना रहता है, और आज भी मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, ऐसी फिल्में बना रहा हूँ। ये जिस ऑफिस में हम इंटरव्यू दे रहे हैं, दी सतीश कौशिक एंटरटेनमेंट, ये मैंने अपने मेरा नेफ्यू है निशांत कौशिक,
वो सारा देख रेख करता है, और उसने जो है 4 पिक्चरें दी सतीश कौशिक एंटरटेनमेंट में सेल बनाई हैं, रीजनल सिनेमा बनाया है, हरियाणवी फिल्म बनाई है हमने, मराठी फिल्म बनाई है मनु धानवारा, हरियाणवी फिल्म छोरियाँ छोरों से कम नहीं होती, फिर इंग्लिश पिक्चर डिस्टेंट ईयर ड्रॉप बनाई है, उसके बाद हिंदी पिक्चर जो मेरी खुद की डायरेक्ट की हुई है कागज़ यू नो पंकज त्रिपाठी के साथ वो बनाई है। तो हमने अलग तरह का सिनेमा, एक कंटेंट ड्रिवन सिनेमा इस साल बनाया असल में। तो ये दिवाली बड़ी इम्पॉर्टेंट है, बड़ी शुभ है कि हम, और हमने अपना पूरा जो सेटअप तैयार किया है कि हमारी डेवलपमेंट टीम जो है वो वेब शोज़ जो है वो अलग अलग विषयों के ऊपर, अलग अलग सामाजिक विषयों के ऊपर हमारा डेवलपमेंट चल रहा है, और हमारी OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह से बात हो रही है कि हम कैसे जल्द उनके ऊपर लेके आएंगे। तो आगे का जो रूपरेखा है वो भी 2019 में दिवाली के बाद जो है वो तैयार होगी, और आगे फिल्में जो बनाई जाएंगी, अभी तो कागज़ रिलीज़ होनी है जनवरी फरवरी में, तो उसको रिलीज़ करेंगे, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे करियर की फिल्म है जो कि मैंने बड़े दिल से बनाई है, जिसका सब्जेक्ट बहुत सालों से मेरे साथ में था। तो यही कहूँगा कि इस दिवाली पे आप सबको शुभकामनाएं, उन सब लोगों को धन्यवाद जिन्होंने इतना प्यार दिया। ओके सर, और एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने जो भी कैरेक्टर किया बहुत ही लोगों को टच किया, या कह ये कह सकते कि आपने ऐसे जो बुना है वो कैरेक्टर को बहुत ही स्पेशल बनाया है। बहुत ही जल्द आप बागी 3 में भी नजर आने वाले अहमद खान के साथ। अहमद खान ने अपनी जो चाइल्डहुड डेब्यू की थी वो आपके साथ की थी, और अब वो आपको डायरेक्ट करने जा रहे हैं, सो कितना इमोशनल लगता है और कैसे आप उनका ग्राफ देखते हैं? क्या होता है ना, ये सब बच्चे जो बच्चे रहे हैं, मतलब हम हमारे सामने, चाहे वो हर्ष कपूर हो, चाहे वो अर्जुन कपूर हो, चाहे वो अहमद खान हो, चाहे वो ईशान खट्टर हो, ईशान खट्टर के साथ भी कोई पिक्चर कर रहा हूँ मैं, तो इन सबको देखते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है असल में कि ये बच्चे देखो इनकी समझ और इनकी जो सूझबूझ है और अपने जो कला है इनकी वो कितनी परिपक्व है, मतलब बहुत टैलेंटेड लोग हैं वो, जितने भी लोग हैं ऐसे हमने लोगों को हम अपने सामने, शाहिद को भी मैंने छोटा देखा हुआ है ना, बचपन में देखा हुआ, आज वो जब कबीर सिंह में ऐसी परफॉर्मेंस देता है, इतनी यू नो हाई यू नो पॉइंट परफॉर्मेंस दे करके अपने किरदार को कितनी अच्छी तरह से प्ले करता है, तो बड़ी खुशी होती है कि ये यंग जनरेशन जो है ये बहुत आगे निकलने वाली है, आगे सोच की है। अर्जुन को देखो या हर्ष कपूर को देखो या अपना वरुण धवन को देखो, ये सब अपने छोटे बच्चे हैं। तो अहमद के साथ, अहमद कहाँ, तो मैं मिस्टर इंडिया में डंडा लेके पीछे भागता था उसके वो पूरे के पूरे बच्चों के साथ, और कहाँ अहमद आज जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से मेरे को डायरेक्ट कर रहा है असल में, जबकि अहमद ने मेरे गाने भी बहुत कोरियोग्राफ किए हैं, मुझे कुछ कहना से लेकर के यू नो कागज़ तक है ना, मैं हमेशा मेरे गानों की कोरियोग्राफी उसने की है, लेकिन अब पहली बार डायरेक्ट करना, और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अहमद का इतना अच्छा है, तो मेरे को बड़ा मज़ा आया, और मैं जब भी इन गैंगस्टर के साथ काम करता हूँ मेरे को बहुत बहुत मज़ा आता है असल में। मैं चाहे वो राजकुमार राव हो, चाहे मैं यू नो तुषार के साथ, तो खैर मैंने मुझे कुछ कहना बनाई थी, यू नो श्रेयास तलपटे को मैंने उसके कॉलेज में एक मोनो एक्ट करते हुए देखा था बहुत साल पहले, और देखो मैंने उसको मोनो एक्ट जब कॉलेज में देखा था, मैंने कहा था बहुत अच्छा एक्टर है यार, कभी तेरे को तो हिंदी पिक्चरों में आना चाहिए, और वो आया। तो टैलेंट तो बहुत पहले दिख जाता है असल में। तो आजकल की जनरेशन जो है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, काम के प्रति बड़ी डिसिप्लिन्ड है, और चाहे वो फिल्म मेकर्स हों, चाहे वो एक्टर्स हों, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अलग अलग कहानियों पर, यू नो फियरलेस फिल्म मेकिंग हो गई है। तो मैं इनको बहुत दिवाली के मौके पर शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ऐसे फिल्म मेकर्स और आएँ जो कि भाइयो जैसी पिक्चरें हों, चाहे वो आर्टिकल 15 जैसी पिक्चरें हों, चाहे वो ताशकंद फाइल जैसी पिक्चरें हों, या दम लगा के आयशा जैसी पिक्चरें हों, या विक्की डोनर जैसी पिक्चरें हों, यू नो ये सिनेमा ही अलग हो गया जो कि बड़ा रियलिस्टिक है, जो बहुत हिंदुस्तानी है, जिसकी कहानियाँ जो है, जिनके जो किरदार जो हैं वो आपके दिल को छूते हैं और आपको अपनापन बताते हैं, वही सिनेमा जो होता है वो हिंदुस्तानी सिनेमा होता है। और मैं हमेशा, क्योंकि हमारी बड़ी से बड़ी हिट पिक्चरें जो हैं वो चाहे मुगले आज़म हो, चाहे वो मदर इंडिया हो, यू नो चाहे वो शोले हो, या वो मुन्ना भाई सीरीज़ हो, या हमारी एक छोटी सी पिक्चर जाने भी दो यार हो जो हमने लिखी थी, उसमें काम किया था, ये सब हिंदुस्तानी पिक्चरें, ये हिंदुस्तानी सिनेमा का रिप्रेजेंटेशन है, अलग अलग जॉनर्स की पिक्चरें। तो आज जो है ये बहुत अच्छा हो रहा है कि यंगस्टर जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओके सर, एज अ आर्टिस्ट आपको बहुत ही प्यार मिला लोगों से, अब डायरेक्शन में भी आपने मुझे कुछ कहने से शुरू की थी, और अब आपकी कागज मूवी आ रही, बट लोगों को एक जो बहुत ही उत्सुक है वो है तेरे नाम 2 के बारे में जानना,
कि कितने अभी तक के प्रोजेक्ट मीन्स कितने स्क्रिप्ट कंप्लीट हुए हैं और कब आने वाली है? देखिए ये तो तेरे नाम तो हो गई, अभी तेरे नाम टू के बारे में मतलब हर साल जो है ना एक नई न्यूज़ बनती रहती है, ऐसा कुछ है नहीं। तेरे नाम टू की अभी बनने की कोई संभावना है नहीं, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन सलमान वेदर ही वॉन्ट्स टू डू इट और नॉट। बट कहानियाँ तो आप सोचते ही रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से कहानियाँ आती रहती हैं मेरे पास तेरे नाम टू के लिए, लोग लिख लिख के भेजते रहते हैं, और कुछ ऐसी कहानी हमने खुद भी बनाई हुई है, लेकिन आई डोंट नो वो होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कब होगी कुछ पता नहीं है असल में। सो इट इज़ जस्ट, बट लोगों का प्यार है कि तेरे नाम को आज तक इतना प्यार करते हैं, आज तक राधे कैरेक्टर को इतना ज़बरदस्त प्यार दिया। और मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो तेरे नाम पिक्चर को देख के कोई बिलीव नहीं करता है कि सतीश कौशिक जो कॉमिक एक्टर है वो तेरे नाम जैसी डार्क ऐसी लव स्टोरी बना सकता है असल में। ओके सर, लास्टली दर्शकों को दिवाली विश। नमस्कार, मैं हूँ सतीश कौशिक और मैं आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दिवाली मनाइए, हर्षोल्लास से मनाइए, जन्मदिना अच्छे पूजन से मनाइए, नो गणपति और लक्ष्मी माता की पूजन के साथ, बट पटाखों के बगैर मनाइए, क्रैकर्स के बगैर मनाइए, उनकी ज़रूरत नहीं है, घंटी की आवाज़ बम की आवाज़ नहीं, बम की आवाज़ कानों को हमारे पेट्स को बड़ी डिस्टर्ब करती है, पॉल्यूशन को पॉल्यूशन खराब करती है, एनवायरनमेंट खराब करती है। धन्यवाद, हैप्पी दिवाली। थैंक यू। चलो भैया, हो गया।